आज का प्रोग्राम का विषय था हम लोगों का साइंस, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिकता। आज के इस युग में हम देख रहे हैं कि सभी लोग साइंस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारी जो आध्यात्मिकता है, उसको हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसा कहा गया कि साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज लेम एंड स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। अगर हम केवल साइंस के पीछे भागेंगे और स्पिरिचुअलिटी को नहीं लेंगे तो हमको लंगड़ाना पड़ेगा, और अगर हम केवल आध्यात्मिकता के पीछे झुकेंगे और साइंस को नहीं मानेंगे तो हमें अंधा कहा जाएगा। तो दोनों ही की ज़रूरत है हमें, साइंस के साथ हमें आध्यात्मिकता को भी साथ साथ लेकर चलना चाहिए। साइंस हमें जहाँ कम्फर्ट देता है, स्पिरिचुअलिटी हमें आंतरिक शांति देती है, तो दोनों को साथ साथ लेकर चलना चाहिए ताकि हमारे अंदर की भी शांति रहे, विश्व में शांति रहे और जो हमारा इन्वायरमेंट है, नेचर है, वो भी सुरक्षित रहे। यही हमारी आज की मैसेज थी। और इसके साथ ही हम लोगों ने आज करीब 45 लोगों को, कलकत्ता के जो जानी मानी हस्तियाँ हैं जिन्होंने विभिन्न फील्ड में काम किया है, उनको भी हम लोगों ने अप्रिशिएट किया, रिकॉग्नाइज किया और उनको हम लोगों ने अवार्ड से नवाजा, ताकि इस तरह की जो भावना है लोगों में वो और भी आगे चलती रहे और भी लोग इंस्पायर्ड हों। यही हमारा आज का मैसेज है। हाय एवरीवन, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या बोलना, बहुत लोग आए हुए हैं एंड ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू फेलिसिटेटेड गेटिंग अवार्ड्स। अच्छा लगता है, रिकॉग्निशन सबको अच्छा लगता है और मुझे भी यहाँ पे बुलाया गया है अवार्डी के लिए, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। एंड डॉक्टर अग्रवाल को बहुत बहुत बधाई एंड माय ऑलवेज गुड विशेस बिकॉज ही डज अ लॉट ऑफ गुड वर्क फॉर द कम्युनिटी एंड आई एम ट्राइंग टू बी विद देम एज मच एज पॉसिबल फॉर माय एंड। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ग्लोबल एकेडमी। थैंक यू। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना जमी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। देखिए, आज हमारे यहाँ पे एक ग्लोबल एकेडमी का प्रोग्राम था जिसमें हमें अवार्ड मिला है, और इसमें सभी धर्म के लोग थे, तो मुझे ये कहना है कि सबको मिलकर के सबके साथ हम लोग अगर चल सकते हैं तो हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, और आपस में अगर लड़ेंगे तो हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे और हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमारा नाम है प्रत्युष कुमार घोष। एक्चुअली मेरा क्या है, मेंस राइट का काम है। मेंस राइट के बारे में ज़्यादातर लोगों का कुछ पता ही नहीं है। मैं हमेशा मौका ढूंढती रहती हूँ कि कहीं पर जाऊँ, अवार्ड मिले या ना मिले आई डोंट माइंड फॉर दैट, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए 2 या 3 मिनट, मैं मेंस राइट के बारे में बता सकूं सबके, क्योंकि आप लोग यहाँ सुने, मीडिया हो या कोई बाहर के आदमी, मीडिया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बाहर के आदमी भी हो, मेंस राइट के बारे में लोगों को पता चले। मेरा मकसद तो सिर्फ यही है। माय नेम इज नंदिनी भट्टाचार्य एंड वी हैव ऑल बंगाल मेंस फोरम, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट। Now you see that we have all achievers here. We have come from different sectors of society, from arts, arts, science, education, music, then sports. But what we are here still, what we can achieve from this, such events, this congregation, this amalgamation of different personalities, dignitaries. The main aim is that we must be aware for some social causes. We must give something to the society, where we can prove ourselves as great human beings first. मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मिस्टर एस के अग्रवाल एंड डेफिनेटली मिस्टर इश्तिक, जो मेरे सलाहकार की तरह हमेशा मेरे साथ घूमते हैं। और आप लोग पूछ रहे थे कि अवार्ड मिलके कैसा लगा, वो तो एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। आज एखे इसे अवार्ड पे हमें खुबी खुशी, ऑनर्ड, এত ভালো ভালো গুণী মানুষরা আমাকে যেভাবে অ্যাওয়ার্ডগুলো দিলেন, এবং আমিও একটা গান শোনাতে পেরে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে খুব ভালো লেগেছে। আর একটা জায়গায় পড়লাম, লেখা আছে, অলওয়েজ লাভ, অলওয়েজ স্মাইল, দের ইজ নো কস্ট, মানে হাসতে গেলে কোনো পয়সা লাগে না। বহুত বহুত ধন্যবাদ মে সুরেশ আগরওয়ালজিকে বললাম, যে মানে একাডেমি বোলায় হ্যাঁ, উনোনে যে আজ সোশ্যাল ওয়ার্কার কা মেরে কো বহুত বড়া সম্মান দিয়ে, মে আশা করতা হুঁ ऐसे मैं काम करता रहूं, ऐसे लोगों से मेरा मोहब्बत बढ़ते रहे, और क्या नाम है, ऐसे मेरे को अवार्ड मिला, बहुत खुशी की बात है, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। अनिल जायसवाल, फीलिंग सो वेल बिकॉज आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस कंपनी फॉर बींग विथ मी एंड रियली आई एम फीलिंग सो ग्रेट। सो आफ्टर ऑल दिस थिंग
आज संडे, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, एंड बस अब हम यहाँ पे सारे खड़े हैं और इवेंट्स एंड एंटायर टीम वॉज सुपर्ब, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिनसे मैं स्टेज पे जाके मिला उनसे मिलके मुझे बहुत अपनापन फील हुआ। और आप सारे, आई एम स्पेशल थैंक्स टू माय मीडिया पार्टनर जो इतनी अच्छी तरीके से मुझे ट्रीट कर रहे हैं, लाइक मुझे अपनी फैमिली ऐसे फील हो रहा है यहाँ पे। आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, उसके लिए मुझे इतना बड़ा एक ऑनर मिला है। ये मेरे लिए बहुत खुशी का मतलब एक दिन है, मेमोरेबल डे है, और सबको थैंक्स, आप सबको, आप लोग भी आए, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स अ लॉट। मैं चाहती हूँ एज एन आर्टिस्ट मैं और भी सोसाइटी के लिए और भी वर्कआउट करूँ, आई एम एन थिएटर एक्टर ऑल्सो, तो मुझे वो पसंद है, सो दैट मैं सोसाइटी में कोई सोशल अवेयरनेस भी दे सकूँ। सुरेश अग्रवाल जी, एंड ही इज़ द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द ग्लोबल एकेडमी, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, और मैं मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले उनको कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, हर तबके के लोगों को उन्होंने एक जगह एक प्लेटफॉर्म में बुलाकर जिस हिसाब से उन्होंने आज ये एक अवार्ड सेरेमनी किया है, दिस इज़ माइंड ब्लोइंग, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ सबके बातों को सुना हमने, सबके विचारों को सुना हमने, और यहाँ पर हम अपना एक अलग विचार यहाँ पर आज बना के जा रहे हैं, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर मिस्टर सुरेश अग्रवाल एंड हिज ग्लोबल अकेडमी, और आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड विच हैज़ गिवन मी। लाइक टुडे आई एम फीलिंग दैट आई हैव डन समथिंग फॉर द सोसाइटी। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ, हमें अपने अब्बू अम्मी का, मैं इस अवार्ड को ट्रिब्यूट करूँ अपने मरहूम दादा दादी, और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरा अंकल जो आज मुझे इस लाइक समझे। आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि अवार्डी में मैक्सिमम हमारे अवार्डी थे जो मैंने रेफर किया था, अल्लाह खास कर मैं और डॉक्टर सुरेश अग्रवाल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे लाइक समझे, मुझे अपॉर्चुनिटीज दिए लोगों को इंट्रोड्यूस करने का। आई एम वेरी थैंक्स टू डॉक्टर सुरेश अग्रवाल एंड द ग्लोबल अकेडमी, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक्स टू न्यूज़ टैग इंडिया गरीब हासिम सबीर भाई एंड माई बिग ब्रदर सुरेश गुप्ता, निक नेम गुड्डू गुप्ता, थैंक यू। डॉक्टर अग्रवाल जो काम कर रहे हैं दैट इज़ अ वेरी वेरी नोबल कॉज, वो हमने जो आज फंक्शन में सुना कि ही इज़ डूइंग सच प्रोग्राम्स रेगुलरली सो दैट अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड कि हम इंसान हैं, हम न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, कुछ वो नहीं है, हम लोग इंसान हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। कैमरामैन गुड्डू गुप्ता के साथ में मिष्टी दत्ता, न्यूज़ टैग इंडिया।